एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इंसर्शन सॉर्ट डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो इंसर्शन सॉर्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे अच्छे से समझते हैं, ओके। सबसे पहले तो ये बात आप दिमाग में मतलब कि ये कर लें, प्रिंट कर लें कि आप को सबसे पहले ये यूजर से इनपुट ले लेना है या फिर इसे इनिशियलाइज कर देना है। देखिए इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मैंने हर सभी वीडियो में आपको बताता हुआ आ रहा है। ये देखिए हमने इनिशियलाइज इसको कर दिया, चाहे आप ये यूजर से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हम ये करके दिखाएं यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ओके। सो यहाँ पे इसका क्या खासियत है इंसर्शन सॉर्ट का, ठीक है। सबसे पहले ये जो है कुछ सिलेक्शन सॉर्ट के तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें ना एलिमेंट को सॉर्टेड ऑलरेडी माना तो जाता है ही, जैसा कि सिलेक्शन सॉर्ट में भी होता था, लेकिन उसमें मान लिया जाता था कि वो मिनिमम एलिमेंट है पूरे एरे में। बट इसमें क्या मानते हैं कि फोर यानी ये इंडेक्स जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या होता है कि आप इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जब आपने कंपेयर किया तो देखा कि दूसरी एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट से छोटा है, तो अगर छोटा है तो इसको यहाँ पे ही स्वैप कर दीजिए, ठीक है। जब इसे आप यहाँ स्वैप करेंगे तो एलिमेंट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, ओके। चलिए अब क्या करना है कि आपका तो एक एलिमेंट जो है यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, एंड यहाँ पे आ गया 4 आ गया। इस दो एलिमेंट को सॉर्टेड मान लेना है, जो लास्ट सॉर्टेड है उसको नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना है। जब फिर से आप कंपेयर करेंगे देखेंगे आपका जो है एलिमेंट एज इट इज इसी प्रकार से आ जाएगा, तो क्या आएगा, 3, 4, 6, 2, 5, 1, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करना है कि अब ये तीन एलिमेंट आपका ये सॉर्टेड हो गया, ओके। अब जो लास्ट सॉर्टेड है उसको आप इससे कंपेयर कर दीजिए बगल वाले से। जब बगल वाले से कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या होता है, 3, 4, और जैसे ही कंपेयर किया तो छोटा है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 1 यहाँ पे ही रहेगा। बट एक चीज आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे अलग क्या है सिलेक्शन सॉर्ट से, चीज में डिफरेंस क्या है। देखिए जैसे ही इन्होंने कंपेयर किया और छोटा था तो इस एलिमेंट को यहाँ भेज दिया, बट क्या इस एलिमेंट का यहाँ पोजिशन है, नहीं है। जब इस एलिमेंट का पोजीशन नहीं है तो फिर से ये अपने एलिमेंट को जो है एडजस्ट करेगा, यहाँ भेजेगा, फिर कंपेयर करेगा कि पीछे वाले से क्या वो छोटा है, नहीं है, तो फिर जब तक इसका ओरिजिनल पोजीशन ना आ जाए ये अपनी जगह पे इसे भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता, चाहे जितना टाइम इसे चलना पड़े, ओके। तो इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखा जाए तो पहले स्टेप में यानी कि ये लास्ट वाले स्टेप के बाद जो पहला स्टेप आएगा वो आएगा 3 के बाद आपका 2 आ जाएगा, एंड 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर देखिए विजुलाइज करने वाली चीज है, जिसे विजुलाइज करनी पड़े। अभी देखिए 2 का भी इसका ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, तो नहीं है तो फिर से स्वैपिंग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 का ओरिजिनल पोजीशन ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, एंड 6 ये होगा, और 5 ये होगा, एंड 1 ये होगा, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। अब फिर क्या करना है, फिर से आपको ये देखना है कि अभी आपने 6 तक आया था तो इस एलिमेंट को मान लेना है सॉर्टेड, ऑलरेडी सॉर्टेड, ओके। अब जो लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड है उसको उसके बगल वाले से कंपेयर करना है। तो देखिए अब इसलिए छोटा है, तो छोटा है तो क्या हो जाएगा, जैसे ही छोटा है तो 2, 3, 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5, एंड उसके बाद 6, उसके बाद 1। देखिए अभी इसका कंपेयर पीछे करने की जरूरत है ही नहीं, नहीं है, तो अब यहाँ तक एलिमेंट को हमने सॉर्टेड मान लिया।
जब यहाँ तक एलिमेंट सॉर्टेड मान लिया तो फिर उसके लास्ट जो सॉर्टेड आया उसको बगल वाले से कंपेयर करना है। जब बगल वाले से आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एलिमेंट छोटा है। जब एलिमेंट छोटा है तो बताइए क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसको अपने पोजीशन भेजेंगे तो पहले ये 6 की जगह आएगा, 6 के बाद फिर भी ये देखेगा कि इसका ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, फिर ये 5 पे जाएगा फिर भी पोजीशन नहीं है, फिर ये 4 पे जाएगा फिर भी नहीं है, इस तरह से करते करते 2 के पीछे जाना पड़ेगा। ओके, तो जब ये 2 के पीछे जाएगा तो इस प्रकार से क्या समझा जाएगा कि ये सॉर्टिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए इसको कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करके हम लोग देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, ऑलरेडी थोड़ा टाइम रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ पार्ट आपके लिए ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने दो वेरिएबल्स लिया है, तो इसमें हमको दो वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एक ही रखें, ये चाहे क्या एक ही रखना पड़ेगा, तो आप आई वेरिएबल को हटा दें। ठीक है, आई वेरिएबल को आप हटा दें, यहाँ पे एक आप टेम्प्रोरी वेरिएबल रखें एंड जो है एलिमेंट का डिक्लेरेशन हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है कि हम एक लूप स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट क्या है उस चीज को समझना है, जे इक्वल टू हमें 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और जे लेस देन कितने टाइम तक चलेगा, 6 टाइम तक, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यस 1 से चलेगा लेकिन 6 तक ही चलेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए हमने जे इसको मान लिया है, जे इसको मान लिया है, ओके, तो इस प्रकार से ये इधर से कंपेयर करेगा एंड और क्या कर सकते हैं इसको कि जे को इंक्रीमेंट कर दीजिए, जे को इंक्रीमेंट कर दीजिए, और थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है इसको कर दे रहे हैं जे। ठीक है, जब हमने इसे जे कर दिया तो अब क्या हो रहा है, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जो टेम्प्रोरी वेरिएबल लिया है उसका आप करना है यहाँ पे यूज। देखिए अभी हमने क्या बताया था कि एक एलिमेंट को ऑलरेडी सॉर्टेड माना है। ठीक है, सॉर्टेड माने इस चीज को हमें दिखाना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट को सॉर्टेड माने हैं। तो देखिए हमने पहला एलिमेंट को ये सॉर्टेड माना था, तो ए कौन से प्लेस पे है, ए ऑफ जे प्लेस पे है। ठीक है, ए ऑफ जे प्लेस पे है, इसे हमने सॉर्टेड मान लिया। एंड आई क्या होगा, इसमें आई कहां से मानना स्टार्ट करेंगे, तो आई का वैल्यू जो होगा क्या माने हम, तो देखिए तो अगर आप j इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं 1, और i की वैल्यू को हम ऐसा करते हैं कि चूंकि हमें i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपली हमें कर देना है i इक्वल टू j माइनस 1। ठीक है, i इक्वल टू j माइनस 1, और यहाँ पे हमें i का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा दोबारा। ओके, देखिए जे माइनस वन का क्या मतलब हुआ कि जब यहाँ से वैल्यू आई 1 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्यों आई लिया है अभी आगे पता चलेगा। ओके, सो इसके बाद हमने देखिए लूप कौन सा लगाएंगे, इसमें वाई लूप लगाएंगे, दूसरा फॉर लूप हम नहीं लगाने वाले हैं। देखिए आई जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के है एंड ए ऑफ आई, तो ए ऑफ i, तो a of i में क्या है, देखिए यहाँ पे चला गया 0, 0, तो इसको जो है अगर आप 0th एलिमेंट इसको मान रहे हो, ठीक है, 0th एलिमेंट इसको मान रहे हो एंड temporary में सबसे पहले आप मान लो, ठीक है, इधर वाले एलिमेंट है, तो अगर a of i से अगर ये ग्रेटर है, अगर ये किसे ग्रेटर है, की एलिमेंट की के मतलब टेंप से अगर ये ग्रेटर है, तो टेंप में हमने ए ऑफ आई जे को रखा है, तो जे अगर ये ग्रेटर है तो करेगा क्या कि ए ऑफ आई प्लस वन में किसको रख देगा, ए ऑफ आई प्लस वन में किसको रख देगा, ए ऑफ आई को, तो ए ऑफ आई हमारा अभी क्या है, ए ऑफ आई प्लस वन, तो मान लीजिए ये हो जाएगा एंड ए ऑफ आई क्या ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसी दोनों में हमें स्वैपिंग करवाना है, इस एलिमेंट को इसकी जगह रख देना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए a of i वाले पार्ट को इसमें मैं रख रहा हूं। ओके, इसको मैंने इसमें रख दिया एंड अगला क्या करना, देखिए i को रिड्यूस कर देना है, तो i = i - 1। ओके, i = i - 1
एंड इतना होने के बाद आप करेंगे क्या कि टेम्पोरी वेरिएबल को भी थोड़ा अपडेट करना है। तो अब देखिए, जो हमने टेम्प माना था उस टेम्प को ए ऑफ आई प्लस वन में रख देना है, ए ऑफ आई प्लस वन में रख देना है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ए ऑफ आई प्लस वन हमारा ये है, इसमें जो है टेम्पोरी हमने किसको माना था, ए ऑफ जे को, इसको, और इसकी वैल्यू हमने इसमें रख दिया। जब इसकी वैल्यू इसमें रख दिया तो हमारा एलिमेंट जो है अब ये इटरेट करके सॉर्टिंग कर देगा। जब ये सॉर्टिंग कर देगा जिस वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे, तो क्या करेंगे, हमें लूप लगाना पड़ेगा फॉर आई इक्वल टू जीरो से, ओके, आई लेस देन सिक्स, आई को प्लस प्लस इंक्रीमेंट करवा दे रहे हैं, एंड इसके अंदर हमें प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर लेना है। जब प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या होगा, परसेंट डी स्लेस एन, एंड वैल्यू कौन सा हमें चाहिए, ए ऑफ आई का, एंड इसको कर देना है बंद। जैसे ही बंद करेंगे फिर करेंगे सेव, देखिए इसे एग्जीक्यूट करवा के मैं दिखा रहा हूँ। तो कंपाइल, देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है, कंपाइल होने के बाद करना है रन। तो देखिए अब ये रन होता है या नहीं होता है, इस चीज को एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बस वेट कर लिया जाए। यस, देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारा एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से क्या समझ में आया कि इंसर्शन सॉर्ट, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सॉरी यहाँ पे जो है हमारा इंसर्शन सॉर्ट होगा, मिस्टेक थोड़ा हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट है, ओके, इंसर्शन सॉर्ट। तो ये हमारा क्या था, इंसर्शन सॉर्ट था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि एलिमेंट हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। ये कैसे सिलेक्शन सॉर्ट से थोड़ा डिफरेंट था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।